नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांशु तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा बोलेरो के बारे में। तो महिंद्रा बोलेरो के अब तक 8 मॉडल्स आए हुए हैं और हम लोग बात करेंगे इन्हीं 8 मॉडल्स के बारे में कि कौन सा मॉडल कितने प्राइस में आता है और उसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सारे वेरियंट्स की बात होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियोज़ डालूँ तो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सबसे पहले इसके बेस मॉडल की बात करते हैं, पावर प्लस SLE। इसका बेस मॉडल है, आता है 8,25,000 रुपये में और इसकी EMI होती है स्टार्ट 15,000 रुपये से। बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको सारी गाड़ियों में यानी ऑटो मॉडल्स में लेंथ, विड्थ एंड हाइट लगभग सेम मिलेगी और सीटिंग कैपेसिटी 7 पर्सन की है। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा इस इंजन का, इसके गाड़ी के इंजन का 1,493 cc यानी लगभग 1,500 cc का इसमें इंजन मिलता है। और फ्यूल टाइप इसका डीजल है, सारी गाड़ियों में आपको डीजल इंजन मिलते हैं और बस थोड़े मॉडल्स में आपको कैपेसिटी का फ़र्क मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके मैक्सिमम पावर की, तो 70 BHP का पावर है इसका और 3600 RPM पे। बात करते हैं इसके मैक्सिमम टॉर्क की, तो 195 Nm है इसका मैक्सिमम टॉर्क 1400 RPM पे। और मैक्सिमम यहाँ पे बात करते हैं इसके माइलेज की, तो 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर इसकी माइलेज है। और बात करते हैं इसके गियर्स की, तो 5 गियर्स हैं इसमें और बाकी सारी चीज़ें सारे मॉडल्स में सेम हैं। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर में सीट बेल्ट वार्निंग के अलावा इस मॉडल में यानी इसके बेस मॉडल में कुछ नहीं मिलना, सीट बेल्ट वार्निंग यहाँ पे मिलती है। ब्रेक एंड ट्रैक्शन में आपको ABS वगैरह कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पे बात करते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस सेक्शन की, तो आपको यहाँ पे एयर कंडीशनर मिलता है मैनुअल। और आगे बात करें इसके एंटरटेनमेंट सेक्शन की, तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सेकंड मॉडल की, महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस SLX। और इसकी प्राइस है 8,99,000 रुपये, 16,422 रुपये से EMI स्टार्ट होती है, मतलब 9 लाख रुपये इसकी टोटल प्राइस है। और बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको सेफ्टी का जो फीचर मिलता है उसमें आपको एयरबैग वगैरह नहीं मिलते हैं। सीट बेल्ट वार्निंग इसमें एक मिलती है, ये एक चीज़ मिलती है इसमें, सीट बेल्ट वार्निंग। और ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन में कुछ नहीं मिलता है, ये इसका सेकेंड मॉडल है। कम्फर्ट कन्वीनियंस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको एयर कंडीशनर मिलता है मैनुअल और 12B पावर आउटलेट मिलता है एक, और को ड्राइवर के लिए आपको वैनिटी मिरर्स मिलते हैं। बात करते हैं इसके एंटरटेनमेंट सेक्शन की, तो इंटीग्रेटेड एंडैस म्यूजिक सिस्टम मिलता है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलती है। 4 स्पीकर्स हैं और USB कॉम्पैटिबिलिटी दी गई है, MP3 प्लेबैक है और FM रेडियो वगैरह दिए गए हैं। तो ये था सेकेंड मॉडल। और इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको इसके इंजन में 1493 यानी सेम बेस मॉडल की तरह आपको इसका इंजन मिलता है। और इसके इंजन टाइप की बात करें तो रिलायबल एम हॉक D70 का इंजन मिलता है और 70 BHP का पावर और 195 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, ये सारी चीज़ें सेम हैं बेस मॉडल से। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे मॉडल की तरफ, तो तीसरा मॉडल का नाम है यहाँ पे महिंद्रा बोलेरो प्लस BS4। और यहाँ पे आपको मिलता है 9,18,000 रुपये इसकी प्राइस है और EMI स्टार्ट होती है 16,774 रुपये से। बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पे सेफ्टी फीचर में आपको कुछ भी नहीं मिलता और ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं मिलता। कंफर्ट कन्वीनियंस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एंटी ग्लेयर मिरर्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। एंटरटेनमेंट सेक्शन में भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, मतलब फीचर्स के मामले में ये गाड़ी बिल्कुल ज़ीरो है। और बात करते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ पे आपको 2523 cc यानी लगभग 2500 cc का इसमें इंजन मिलता है। इसकी कैपेसिटी पिछले मॉडल से ज़्यादा है तो इसलिए एवरेज भी कम होगा। तो यहाँ पे फ्यूल टाइप की बात करें तो डीजल इंजन लगा हुआ है और 4 सिलेंडर डीजल इंजन है इसका। बात करते हैं इसके मैक्सिमम पावर की, तो 63 BHP एट द रेट ऑफ 3200 RPM, मतलब 63 BHP का पावर है और 180 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है 1440 RPM पे। और माइलेज की बात करें तो माइलेज इसका कम हो जाता है और हो जाता है 15.96 यानी लगभग 16 किलोमीटर प्रति लीटर का। आगे बात करते हैं इसके गियर्स की, तो 5 गियर्स इसमें दिए गए हैं, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम हैं। और आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट मॉडल की, तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉडल है इसका महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस ZLX। स्टार्ट होता है 9,41,000 रुपये से, 17,195 से इसकी EMI स्टार्ट होती है
और फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर में सीट बेल्ट वार्निंग के अलावा नहीं मिलता कुछ भी। ब्रेक एंड ट्रैक्शन में तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ABS, EBD वगैरह। और बात करते हैं कंफर्ट कन्वीनियंस की, तो यहाँ पे मैनुअल AC मिलती है आपको और को ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर्स और हीटर भी अवेलेबल है। बात करते हैं एंटरटेनमेंट सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड इंडास म्यूजिक सिस्टम मिलता है और 4 स्पीकर्स, USB ऑक्स कॉम्पैटिबिलिटीज, ब्लूटूथ कॉम्पैटिबिलिटी विद ऑडियो स्ट्रीमिंग मिलती है, MP3 प्लेबैक है और यहाँ पे सारी चीज़ें लगभग मिल जाती हैं। तो बात करते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ पे इसके इंजन की बात करें तो 1493 CC यानी लगभग 1500 CC का इसका डीजल इंजन लगा हुआ है, रिलायबल MHawk D70 का। 70 BHP मैक्सिमम पावर है इसकी और 3600 RPM पे। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 195 न्यूटन मीटर 1400 RPM पे और 1650 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज यानी उससे ज़्यादा देती है पिछले मॉडल के से। और बात करते हैं इसके गियर्स की, तो 5 गियर्स है इसमें और रियर व्हील ड्राइव कार है ये। बाकी 3 सिलेंडर इनलाइन दिए गए हैं और वॉल्व इसमें 2 हैं, SOHC का सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम हैं। आगे बात करते हैं इस गाड़ी के नेक्स्ट मॉडल की, तो महिंद्रा बोलेरो SLE BS4 947,000 रुपये की है और 17,297 CC सॉरी रुपीज़ का इसका EMI स्टार्ट होती है। बात करते हैं फीचर की, तो यहाँ पे भी आपको एयरबैग वगैरह कुछ नहीं मिलता। और ब्रेक एंड ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलना है, EBD वगैरह या ABS। बात करते हैं इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलती है और हीटर भी है इसमें, एंटी ग्लेयर मिरर मिलता है एक। और आगे बात करते हैं इसके एंटरटेनमेंट सेक्शन की, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलता, मतलब म्यूज़िक सिस्टम वगैरह। और इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लगभग सेम मिलती हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका 2523 CC का है और डीजल इंजन है ये और 4 सिलेंडर का डीजल इंजन लगा हुआ है इसमें। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 63 BHP का इसमें मैक्सिमम पावर है 3200 RPM पे और 195 न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क है 1400 RPM पे और लगभग 16 किलोमीटर प्रति लीटर की ये माइलेज देती है, 16 से कम है। और टर्बो चार्जर इसका टर्बो चार्जर 5 गियर्स हैं और 4 सिलेंडर इनलाइन दिए गए हैं, 2 वॉल्व हैं और सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन SOHC का है। बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम हैं। आगे बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट मॉडल की, महिंद्रा बोलेरो प्लस AC BS4। यहाँ पे आपको 963,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फीचर में इसमें सेफ्टी में कुछ नहीं मिलना, एयर ब्रेक एंड ट्रैक्शन में कुछ नहीं मिलता, कंफर्ट कन्वीनियंस में आपको मैनुअल AC मिलती है और हीटर। और बात करते हैं इसके एंटरटेनमेंट सेक्शन की, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलना। इंजन देखते हैं, इंजन तो यहाँ पे आपको इंजन में 2523 CC का इंजन मिलता है डीजल, 4 सिलेंडर वाला डीजल इंजन लगा हुआ है इसमें, 63 BHP का पावर है और 180 न्यूटन मीटर इसकी टॉर्क है, लगभग 16 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है, 5 गियर्स हैं और 3 सिलेंडर इनलाइन दिए गए हैं और 2 वॉल्व SOHC सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। बात करते हैं इस गाड़ी के नेक्स्ट मॉडल की, तो महिंद्रा बोलेरो SLX BS4। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 10,09,000 रुपये से मतलब 10,009 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपको इसके लिए। और EMI है इसकी, स्टार्ट होती है 18,431 रुपए से। फीचर में बात करें तो फीचर इसके सेफ्टी फीचर में कुछ नहीं मिलता, ब्रेक एंड ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं मिलना, कंफर्ट कन्वीनियंस में यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलती है और ये देख लीजिए आप वीडियो में चल रही है, लीफ स्प्रिंग दी गई है इसमें, लीफ सस्पेंशन। बात करते हैं इसके एंटरटेनमेंट सेक्शन की, तो इस गाड़ी में भी आपको इंटीग्रेटेड इंडस म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको मिलता है और हेड यूनिट साइज 42 DIN इसमें मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन देख लीजिए इसकी। और आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट मॉडल की, इसके इंजन की बात करें तो इसी इंजन में आप इसी गाड़ी के इंजन में आपको 2523 CC का डीजल इंजन मिलेगा, 4 सिलेंडर डीजल इंजन इसमें मिल रहा है, 63 BHP का पावर है, 195 न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क है। और बात करते हैं इसके माइलेज की, तो 16 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज है और 5 गियर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम हैं। और बात करते हैं इसके नेक्स्ट मॉडल की, उसका नाम है बोलेरो ZLX BS4, सेकेंड टॉप मॉडल है, सॉरी टॉप मॉडल है ये, और 10,37,000 रुपये का आता है और 18,938 रुपये से इसकी EMI स्टार्ट होती है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो टॉप मॉडल में भी आपको एयरबैग वगैरह कुछ नहीं मिलना, ब्रेक एंड ट्रैक्शन में भी आपको कुछ नहीं मिलना। बात करते हैं इसके कंफर्ट कन्वीनियंस की, तो मैनुअल AC मिल जाती है और को ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर्स, हीटर भी यहाँ पे अवेलेबल है। और बात करते हैं इसके एंटरटेनमेंट सेक्शन की, तो इंटीग्रेटेड इंडस सिस्टम मिलता है इसमें, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। और इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको इंजन में
वही 2523 सीसी का इंजन मिलता है, 63 bhp पावर और 195 Nm।